आपने मंगाया? हाँ दीजिए। अरे हम तो भुलाए गए, कल करवा चौथ है ना। हाँ हम ले ली। हाँ ले लीजिए। मैं भी भूल गई थी। मैं भी आई। हे एक बात बोलूं, मैंने ऐसा मूवीज में देखा है, या हिंदी मूवीज में, यू नो, लेडीज फास्टिंग करती है स्लोली स्लोली, यू नो, क्या कहते हैं उसे, करवा चाट। या करवा चाट नहीं ननी जी, करवा चौथ। सॉरी। एक सुहागन के जीवन का सबसे अहम दिन। यार राइट। ऋषि जी, अब इसे क्या हुआ? आपके नन्ना भैया कड़वा चाट में विश्वास नहीं करते। ओके। आप हमारी दोनों भाभियों का भी तो पहला करवा चौथ है ना दी। हम तो व्रत रख लेंगे, पर पता नहीं खुशी। क्यों, हम क्यों नहीं रख सकते? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो थोड़ी कुछ हो जाएगा, और पिछले साल हमने तीज का व्रत भी रखा था। बारह बजने में बस थोड़ा वक्त बचा है, और सुबह सरगे के अलावा और कुछ भी नहीं खा सकते। ये देवी भैया रक्षा करना कि हम ये व्रत पूरा कर पाए। जल्दी कीजिए ना। बस हो गया खुशी जी, बस दो मिनट। देखे हेलो हाय बाय बाय का बनाई दिए हो, मॉडर्न आर्ट बनाई दिए हो का? अरे ऐसा नहीं, देखो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से। अरे अंजलि बिटिया, जरा देखिए तो ये माँ से आपको कौन सी साड़ी पसंद है। दी आप ये वाली पहनिए, ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगे। पायल बिटिया आप भी तो देखिए, आपको कौन सी पसंद है। जी वाओ, मेहंदी मैं भी लगाऊं? आप भी फास्ट रखी है का? नहीं वो मुझे मेहंदी अच्छी लगती है। आइए बिटिया हम आपको लगा देते हैं। बैठी बैठी। ये लीजिए खुशी जी, हो गया। खुशी जी हो गया। अरे आरव आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। मैं अब ठीक हूँ, इतना शोर तो मचा रहे हैं सब। जब चार औरतें मिल जाए तो शोर तो मचेगा ही, कल करवा चौथ है इसलिए सब मेहंदी लगा रही है। ओ यस, ये वही फेस्टिवल है जिस दिन मॉम डैड के लिए फास्ट रखते हैं। फास्ट रखी है का? नहीं वो मुझे मेहंदी अच्छी लगती है। नहीं नहीं खुशी ऐसा मत सोच, ये सही नहीं है। इतना हुआ वहां मेहंदी जल्दी सूख गया, और लेके आता हूँ। धन्यवाद। वैसे भी हमारी जिंदगी में इतना गोलमाल चल रहा है। शीतल जी कह रही है उन्हें व्रत नहीं रखना, और आरव कह रहा है कि उनकी मम्मी ने व्रत रखना है।
अगर उन्होंने व्रत रखना है तो फिर किसके लिए इतने सवाल? क्या हो रहा है सब? हम 12 बजे तक जितना भी खा सकते हैं हम खा रहे हैं, ताकि हमारा मन भर जाए और हमें सबकी याद ना आए। हाथ मत लगाइए, ये सब हमारे लिए है। अभी और कुछ? थोड़े और गोलगप्पे। हाथ मत लगाइए, हमने कहा ना ये सब हमारे लिए है। तुम बिल्कुल बच्ची हो गई। हमारा ध्यान मत बताइए, 12 बजने वाले हैं। खुशी, किसने कहा है तुमसे ये करने के लिए? कोई नहीं कह रहा व्रत रखने के लिए। क्यों? ये हमारा पहला करवा चौथ है और सारी औरतें अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर हम क्यों ना रखें? और वैसे भी पिछले साल हमने 30 पे व्रत तो रखा था ना, वैसे रखना तो नहीं चाहते थे। खुशी, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, तुम व्रत नहीं रख पाओगी। कैसे पति है आप? ओके, अगर मैं जीत गया तो अगली बार से 9 व्रत। ओके, ठीक है, मंजूर है। अरे आप सब हमरी काहे मदद करते? ये सब तो बना के सासू माँ अपन बहुओं को खिलावत है। दादी जी, आप काम करेंगे और हम देखते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? नानी जी, असल में हम आपकी मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि खाना जल्दी से तैयार हो जाए। कितना मजा आता है ना सुबह सुबह उठना, फिर ये खाना खाना और फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना, और वो भी उनके लिए जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दी, आप घबराइए मत खुशी जी, हम ठीक हैं। कम से कम हमारे विश्वास को, हमारे प्यार को कोई धोखा तो नहीं दे रहा। हम वाकई में बहुत खुश हैं। दी, ये लड्डू खा। हेलो, हाय, बाय बाय। खाना बना के नहीं, एकदम पेट में चूहा दौड़ा थे, बहुत भूख लगी है। सब तैयार है मामी जी। अरे एनके जी, आप इतने सुबह सुबह कैसे उठ गए? पायल भाभी, लेट मी एक्सप्लेन। वो क्या है कि इतनी सुबह सुबह मैं आप सबको परोपकार देने के लिए उठा हूँ। प्रोत्साहित नन्हे जी, प्रोत्साहित। या सॉरी, हाँ वही प्रोत्साहित। सो एवरीबॉडी इज रेडी टू अटैक। रुकिए, हमरे बहुओं को देने के खातिर हमरे पास कुछ है, सरगी, जो हर साल हम अपन बहुओं को देवत है। पहले ई लीजिए मनोरमा। हमारे खानदान का रिवाज है कि पहले सासू माँ अपन बहुओं को चम्मच से सेवैया की खीर खिलावत है। अरे हाँ, सोचिए।
हम बिल्कुल ठीक हैं। और वैसे भी आज हमारी दोनों भाभियों का पहला करवा चौथ। अगर आप दोनों ये खाना नहीं खाएंगे ना तो हम ये सारा खाना खत्म कर देंगे, हम पहले ही बता रहे हैं। जल्दी से खा लीजिए। Okay guys, so let's attack. Come on. हाँ हाँ, जल्दी से खा लीजिए, फिर पता नहीं कब नसीब हो। कभी कभी ये चांद बहुत भाप खाता है, दिखता ही नहीं है। जब ये हुआ करते थे तो सर्गी के लिए हमारे साथ तड़के उतर रहे। वाओ नानी जी, एक लड़का एक लड़की साथ में सर्दी, सर्गी, how romantic. और एक हमारे पति जो वहां खराटे मार के सो रहे। शीतल जी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो इतनी सारी चहल पहल थी तो उठ गई। वाओ नानी जी, खीर, एक्चुअली इट्स माय फेवरेट डेजर्ट। मैं थोड़ा खा सकती हूँ? तो फिर आइए ना शीतल जी, हमारे साथ खाइए, बैठिए। हमारे खानदान का रिवाज है कि पहले सासू माँ अपन दोनों को चम्मच से सेवैया की खीर खिलावत है। इनके भाई, आप ये खाना क्यों खा रहे हैं? ये खास करवा चौथ के लिए बना है। दीप, I'm sorry, वो क्या है कि मुझसे रहा नहीं गया, you know? रात को मेहंदी और अब सरगी भी शीतल जी का ही करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख रही है। अगर रख भी रही है तो